आज इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट को मैंने अमेजोन से मंगाया है और इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और ये प्रोडक्ट आपका बाइक और कार दोनों में काम आएगा। जैसे कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि इसमें एक पंचर रिपेयर किट है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही काम आने वाला है आपका इमरजेंसी टाइम में। आप देख सकते हैं हमने इसका ऊपर का पैकेजिंग खोल लिया है, उसके बाद फिर से ये पैक्ड है प्लास्टिक के रैप से, और इसको भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। और इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी की गई है कंपनी की तरफ से, जहाँ से ये डिलीवर हुआ है। और इस किट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं डिटेल से हम जानेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक एक करके। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस बैग के ऊपर KVA का ब्रांडिंग किया गया है और देखते हैं इसको खोल के कुछ इस तरीके का आपको बैग देखने को मिलेगा। और खोलते हैं इसका जीप को और निकालते हैं प्रोडक्ट को बाहर। तो ये है वो प्रोडक्ट और इसकी फिर से पैकेजिंग प्लास्टिक रैप से की गई है। तो इसे खोल लेते हैं जल्दी और देखते हैं फिर। और ये फाइनल पैकेजिंग इसकी हमने खोल लिए हैं और निकालते हैं प्रोडक्ट्स को बाहर और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसके पीछे जो पेपर वाली पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट, एक टेप जैसा है। शायद अगर कहीं टेपिंग की ज़रूरत होगी छोटी मोटी तो इससे हम काम चला सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है ये स्ट्रिप्स, हम इसको पंचर रिपेयर करने में यूज करेंगे। इसमें 10 स्ट्रिप्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये है हमारा अगला प्रोडक्ट और इसके मदद से हम उस स्ट्रिप्स को टायर के अंदर डाल सकते हैं। तो रखते हैं इसको साइड में और बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद ये है, शायद इसको ट्वीजर बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइए। तो इसको रखते हैं साइड में और आगे देखते हैं क्या है। तो ये है एक प्लायर्स, जिसकी मदद से हम नेल वगैरह अगर टायर में घुस जाते हैं तो निकाल सकते हैं इजीली। या फिर कोई छोटे पत्थर अगर घुस जाते हैं तब भी हम इसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये है कुछ बैलून टाइप का दिख रहा है हमें, क्या है देखते हैं अंदर। बेसिकली ये बलून सी हैं और आगे जाके हम बताएंगे इसका क्या यूज़ है इसमें। और इसको रखते हैं अंदर और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें क्या है। उसके बाद हमें ये ट्यूब नज़र आ रहा है जिसमें एक सॉल्यूशन है, और इसको आप देखे होंगे पंचर दुकान में भी इस सॉल्यूशन को लगाते हैं पंचर बनाते समय। किसी और वीडियो में आपको हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे पंचर बनाते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। और ये है हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो कि एक फाइल की तरह काम करता है, और इसकी मदद से आप जो पंचर के छोटे होल्स होते हैं उसको बड़ा करने में काम आता है। तो देखते हैं इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 ये 3, ये हो गया 4, ये 5, 6 7 और स्ट्रिप हो के 8, और एक पाउच भी हमें मिला है तो इसको भी हम गिन लेते हैं और ये हो गया 9। देखते हैं एक एक करके इसका क्या यूजेस है। तो इसको तो आप जैसे कि मैं बताया था कि फाइल की तरह यूज़ करते कर सकते हैं आप इसको। और इसको जो स्ट्रिप्स हैं इसमें उनको आप पंचर बनाते समय टायर के अंदर इसे लगा के डालेंगे। उसके बाद ये सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है पंचर बनाते समय। उसके बाद ये प्लायर्स के मदद से आप नेल या फिर वायर्स वगैरह को निकाल सकते हैं
कुछ इसी तरह से। और उसके बाद है अपना ट्वीज़र बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इसे आप प्लायर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है वो बैलून्स, और क्या है इसका यूज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले इसको बाहर, और ये बेसिकली एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अपने दोनों उंगलियों से लगा के ग्लोब की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, और कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने उंगलियों में लगा के, ताकि जो छोटे मोटे इंजुरीज होते हैं उनसे आप बच जाएं। तो चलिए सारे सामान को डाल लेते हैं अंदर और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो ये मैंने अमेजन से परचेज किया था 289 रुपीज़ में, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।